गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिसेस वंदना गामने, ब्रिज कोर्स में आपका स्वागत है। सेकंड एक्टिविटी के साथ आपके सामने फिर से हूँ। अब आपके सामने जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें आपको दिया है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में शब्द दिए हैं ऑन, बिटवीन, अमंग, ऑफ, ओवर। तो ये शब्द जो दिखाई दे रहे हैं आपको ब्रैकेट में, तो वो क्या है? प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन क्या होते हैं पता है ना आपको? नहीं होंगे तो आप फिर से प्रेपोजिशन का मेरा वीडियो देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं शॉर्ट में बताऊंगी यहाँ पे, कि दो वाक्य के दो शब्दों में जो भी संबंध है वो संबंध बताने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रेपोजिशन के द्वारा किया जाता है। अब देखो पहला वाक्य क्या है, राम इज डैश मनोज एंड फिरोज। तो राम कहाँ है? ऑन में है, बिटवीन में है, अमंग में है, ऑफ है या फिर ओवर है? तो इन सब के मतलब आपको पता होने चाहिए। ऑन मतलब के ऊपर, बिटवीन मतलब दोनों के बीच, अमंग मतलब बहुत लोगों के बीच, ऑफ मतलब निकल जाना, ओवर मतलब के ऊपर। तो ऐसे शब्द तो कहाँ सही से बैठते? पहला वाक्य पहला बताती हूँ मैं, देखो आपको, राम इज डैश मनोज एंड फिरोज, दो के बीच है। कौन है? मनोज एंड फिरोज। इसलिए क्या आएगा? राम इज बिटवीन मनोज एंड फिरोज। इस प्रकार से आगे क्या आपको करने हैं, आया समझ में? हाँ। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, दूसरा है दे वेंट डैश मुंबई, ब्रैकेट में दिए हैं फॉर, टू, फ्रॉम, सही यूज करना है आपको। फिर नरेन वॉक्ड डैश द रोड, अक्रॉस, अप और इन, इनमें से जो सही रहेगा वो लिखना है आपको। जॉन क्लाइम डैश द माउंटेन, इनमें से क्या करना है, ब्रैकेट में कौन सा शब्द है? ऑफ, इन टू, ओवर। माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है इसलिए क्या आएगा? ओवर द जॉन क्लाइंड ओवर द माउंटेन। फिर द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन, ट्रेन कहाँ पे आती है? स्टेशन पे आती है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको इन भी दिया है और एट भी दिया है, तो क्या सही रहेगा? द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। बाकी क्या आपको आपके मन से करने हैं, आई समझ में? सेकंड एक्टिविटी भी, तो सेकंड एक्टिविटी में आपको क्या कंप्लीट करने हैं? प्रीपोजिशन कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ फिर से मैं आऊँगी, तब तक धन्यवाद।